हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब। आयुष होलिस्टिक हेल्थ केयर में से मैं डॉक्टर धारा त्रिवेदी आज के वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10 में से 6 महिलाओं को कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम होता ही है। तो दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो दोस्तों, देखते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, UTI किसे कहते हैं। अगर आप UTI से परेशान हो तो आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, UTI होता किन किन वजह से है, और अगर आप भी यूरिनरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन से परेशान हो तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाओगे, और दोस्तों उसका इलाज कैसे करोगे। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, जो हमारी यूरिनरी सिस्टम होती है उसमें मेनतः किडनी होती है, फिर यूरेटर जो नलिया होती है जो यूरिन को किडनी से नीचे एक पाउच जैसा होता है वहां यूरिन कलेक्ट होता है जिसे हम यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं। ज्यादातर UTI में जो इन्फेक्शन देखने को मिलती है वो ब्लेडर यानी जो पाउच होता है उसकी इन्फेक्शन देखने को मिलती है। फिर दोस्तों, हमको ये ख्याल आता है कि ये जो इन्फेक्शन है वो ज्यादातर महिलाओं में ही क्यों होती है। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक वजह है, पर हम उससे पहले देखते हैं कि अगर हमें UTI हुआ है तो हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। दोस्तों, उसमें सबसे पहले बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन होना, फिर ऐसा फील होना कि पेशाब कंप्लीटली पास नहीं हुआ है, कई बार पेट के नीचे के पार्ट में दर्द होना, कमर दर्द होना, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो बुखार आना, और साथ में उल्टी और उबकाई जैसा होना। तो दोस्तों, ये सब लक्षण है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। फिर दोस्तों, तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता किन किन वजह से है और क्यों ये ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया कॉमनली एनल जो रीजन होता है वहाँ देखने को मिलता है। जो स्त्रियां होती है उसमें जो यूरिन पास करने का ओपनिंग होता है वो, और जो एनल रीजन है जहाँ से स्टूल पास होता है वो बहुत नज़दीक होता है। सो कई बार पुअर हाइजीनिक कंडीशन की वजह से महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके सिवाय दोस्तों, काफ़ी दूसरे रीज़न भी है UTI होने के। जैसे अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या बार बार होती है। दूसरा दोस्तों, कई बार अगर आप किडनी की बीमारी से परेशान हो, डायबिटिक पेशेंट हो, तो भी आप UTI बार बार होता रहता है। और दूसरा दोस्तों, जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है पुअर हाइजीनिक कंडीशन। यानी जब भी कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसके बाद अगर प्राइवेट पार्ट का क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं करता है तो भी ये जो UTI है वो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में देखने को मिलती है। और दोस्तों, महिलाओं को ज़्यादातर ये जो UTI होता है वो मासिक की समस्या के बाद होता है, क्योंकि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें महिला जो पेड यूज़ करती है वो अगर लॉन्ग टाइम तक चेंज ना किए जाए तो भी वो बैक्टीरिया डायरेक्टली यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन डेवलप करता है। तो दोस्तों, ये तो हुई कि किन किन वजह से UTI होता है। अगर आपको भी ये सब लक्षण है तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाओगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको अपनी नज़दीकी कोई लेबोरेटरी में जाके आपको यूरिन रूटीन माइक्रो करवाना है। जब भी आपका रिपोर्ट आ जाए तो उसमें बैक्टीरिया, पस सेल, रेड ब्लड सेल और प्रोटीन की अमाउंट से पता चलता है कि आपको कितनी सीवियरिटी में ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है।
अगर आप भी बार बार यूटीआई से परेशान होते हो तो उसका कोई इलाज है? दोस्तों, अगर यूटीआई से आप बार बार परेशान हो तो बार बार एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है और इससे कई बार हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या होम्योपैथिक में इसके लिए कोई इफेक्टिव दवाई है? हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी एक मैजिकल होम्योपैथिक दवाई शेयर करूंगी जिसका यूज करने से आप भी ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से जल्दी छुटकारा पा सकते हो। ऐसी दवाई है दोस्तों कैंथेरिस 30। कैंथेरिस 30 यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के उन किस्सों में दी जाती है जब बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, पेशेंट को बुखार जैसा होता है, लोअर एब्डोमिन में पेन रहता है। उन किस्सों में कैंथेरिस 30 की 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 3 से 4 दिन अगर दी जाए तो जो पेशेंट है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से छुटकारा पा जाता है। दूसरा दोस्तों, जब भी ये यूटीआई होता है तब पेशाब में जलन की कंप्लेन ज्यादा रहती है तो उस टाइम पे हम कोई अल्कलाइजर यूज करते हैं। तो ऐसा ही एक होम्योपैथिक अल्कलाइजर है जो यूरिन को एसिडिटी कम करता है और साथ में जलन भी दूर कर देता है। ऐसी होम्योपैथिक दवाई है दोस्तों बर्बरिस वल्गारिस मदर डेंजर, वो भी आपको कोई भी होम्योपैथिक स्टोर में मिल जाएगी। उसकी 10-10 बूंदे आपको आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार लगातार अगर 3 से 4 दिन आप सेवन करोगे तो दोस्तों आप भी यूटीआई की प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाओगे और दोस्तों आपको बार बार एंटीबायोटिक भी नहीं लेनी पड़ेगी। ये बात तो हुई दोस्तों कि आप इसका इलाज कैसे करवाओगे, पर दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना जरूरी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए बार बार ये समस्या का सामना ना करना पड़े इसलिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियो। दोस्तों अगर कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर मेंटेन करो। कभी पेशाब को रोको मत, 3-4 घंटे पे यूरिन पास करना चाहिए। और दोस्तों साथ में अगर आप भी यूटीआई से परेशान हो तो आपके बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए खाने में कर्ड या छाछ का यूज करो। तो दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स फॉलो करने से भी आप यूटीआई जैसी समस्या से बहुत जल्दी से छुटकारा पा जाओगे। दोस्तों आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।